नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th के बायोलॉजी लेसन 1 जीव प्रकरण से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं क्योंकि यह बोर्ड में 50 नंबर का प्रश्न पूछा करता है। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं वीडियो और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है। कल मैंने आप लोग को 2020 भी कराया था, इसके पहले भी एक वीडियो बनाया रखा था। आज मैं आप लोगों से तीसरा वीडियो लेकर आया हूं, एक पार्ट से लगभग 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो लगभग 35 नंबर जरूर आप ला दीजिएगा। तो चलिए एक 48 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। दोस्तों इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। दोस्तों ऑप्शन दिया गया है पत्ती, हरित लवक और ग्राना और स्टोमा। दोस्तों इसका ऑप्शन आपको दिया गया है तो इसको आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो चलिए आप आंसर दीजिए। चलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी कि 48 का आंसर मैं आप लोगों को बता दूं कि 48 का ऑप्शन होगा मेरा पत्ती, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मैं 49 नंबर प्रश्न आपके सामने रखता हूं कि कौन सी क्रिया सभी जीवों में अनिवार्य है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। 49 का आंसर दोस्तों होगा श्वसन। यह सभी क्रिया के लिए क्या है, जरूरी है। सभी जीवों के लिए यह श्वसन क्रिया बहुत ही जरूरी है। चलिए 50वां प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। दोस्तों यह प्रश्न जो है बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है ए परागमय, दो नंबर है अपरागमय, तीसरा है अर्धपरागमय और डी है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 50 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है, अर्धपरागमय, ठीक है। 51वां प्रश्न आपके सामने है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है ए शैवाल, बी ऑप्शन है कवक, सी ऑप्शन है जीवाणु और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 51 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि कवक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 52 नंबर प्रश्न जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है। तो 2015 में भी यह प्रश्न जो है आया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 2015 में आया हुआ है प्रश्न, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2015 में तो दिया हुआ है दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है, ठीक है। पहला है अपघटन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है किण्वन और चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए 52 का आंसर मेरा होगा दोस्तों सी, यानी कि किण्वन। दही जमने की निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है। दो प्रश्न 2015 में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न है, कौन अतःस्रावी और बृहत्स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। दोस्तों 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन दिया है अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है वृषक। तो दोस्तों 53 का आंसर मेरा होगा बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न है, ये भी 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ ए मेरा जीव वेरिन, एड्रोनेविल, इंसुलिन, थायरा किशन। दोस्तों 54 नंबर का आंसर क्या होगा, तो दोस्तों ये ऑप्शन है जेबरे रेलिंग, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम 55 नंबर प्रश्न पे। 55 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो आप जानते हैं। तो चलिए आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, वसा होता है या प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश। 2011 में यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो 55 का राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कि ग्लूकोज, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा प्रकरण है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन है उत्सर्जनशीलता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 56 का क्या होगा, तो मेरा ए ऑप्शन होगा श्वसन, ठीक है। उसके बाद 57वां प्रश्न है कि उधर नाल का सबसे लंबा भाग, यह इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2017 में आया हुआ है, ठीक है। उधर नाल का सबसे लंबा भाग है ग्राशनी या आमाशय या छोटी आंत या ग्राशनली। तो 57 का राइट आंसर होगा मेरा सी, यानी कि छोटी आंत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 58 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का
ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है एडीपी, दूसरा ऑप्शन है एटीपी, तीसरा ऑप्शन है डीटीपी, चौथा ऑप्शन है पीडीपी। दोस्तों 58 का राइट आंसर होगा मेरा बी एटीपी। ठीक है, ये 2018 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 59 नंबर प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। दोस्तों यह 2018 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सीरा, ऑप्शन बी है रंध, ऑप्शन सी है मध्यशिरा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 59 का राइट आंसर होगा मेरा बी, यानी कि रंध में। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर प्रश्न है कि हृदय में रक्त रुधिर की संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। दोस्तों यह 2018 में प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा बी, निलय द्वारा। ठीक है, चलिए फिर 62 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव का मार्ग को रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। ठीक है, अब 2018 में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, सी ऑप्शन दिया हुआ प्लेटलेट्स और डी ऑप्शन है लसिका। तो दोस्तों 62 का राइट आंसर हमें क्या होगा तो सी होगा, यानी कि प्लेटलेट्स होगा। ठीक है, उसके बाद 63 नंबर प्रश्न है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती या आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल का उबाला जाता है। यह 2018 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो पहला है मंद को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी ऑप्शन है पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों 63 का राइट आंसर क्या होगा मेरा बी। ठीक है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है, ये भी 2018 में प्रश्न आया हुआ है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ऑप्शन है 5x पर, 10x पर, सी ऑप्शन 25x पर और डी ऑप्शन 45x पर। तो स्लाइड को कितने कंपाउंड पर देखा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 64 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी, यानी कि 10x पर। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न आपके सामने है, यह प्रश्न जो है वो 2019 में आया हुआ है। ठीक है, यानी कि 2019 और 20 में भी यह प्रश्न आया हुआ है, तिलचट्टा का श्वसन अंग। दोस्तों तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है, तो आप मुझे बताइए कि तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन का है, ट्रेकिया है या गल्फर है, त्वचा है या फेफड़ा है। तो दोस्तों 65 का राइट आंसर आपका क्या है, तो ऑप्शन ए आंसर सही है मेरा, ट्रेकिया। ठीक है, उसके बाद 66 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। ठीक है दोस्तों, फेफड़े से, त्वचा से, गिल से या ट्रेकिया से। तो दोस्तों 66 का राइट आंसर होगा मेरा सी, यानी कि गिल से। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पौधे के पत्तियों के रंधों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन किया की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं या वही क्षेपण कहते हैं या एपिलिटेक्टिस कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 67 का राइट आंसर होगा दोस्तों मेरा ए, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। दोस्तों यह प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो ऑप्शन ए है रंध के कारण, क्लोरोफिल के कारण, एस्ट्रोमोटा के कारण या लवण के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 68 का, तो दोस्तों 68 का राइट आंसर होगा मेरा बी, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 59 नंबर प्रश्न पे कि 59 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंत कोशिकाएं पाचन होता है पौधों में, अमीबा में, तिलचट्टा में या मनुष्य में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 69 का क्या होगा बी होगा, अमीबा में। ठीक है, उसके बाद 70 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है। दोस्तों 2019 में प्रश्न आया हुआ था, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, 2017 में भी आया हुआ था, 18 में भी आया हुआ था और 19 में भी आया हुआ था,
20 में नहीं आया लेकिन 21 में आने की संभावना है। मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसके कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। दयानिलय, बायानिलय, दया अनिंद और बाया अनिंद, ठीक है। उसके बाद 71 नंबर प्रश्न है कि पौधों में टेनिन नामक पदार्थों कहाँ संचित रहता है? दोस्तों यह लेसन 1 में आप लोगों को पढ़ाया गया है। ऑप्शन है या पत्तियों में, छाल में, या जड़ में, या फूल में। तो दोस्तों ऑप्शन इसका आंसर होगा मेरा बी, यानी कि छाल में होता है टेनिन, ठीक है। 72 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कोशिकांग क्लोरोफ्लास्क बिंदु किस रंग के होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिए पीला होता है, या हरा होता है, या लाल होता है, या नीला होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेरा बी, यानी कि हरा होता है, ठीक है। अब फिर आगे चलते हाँ, कोशिका का पावर किसे कहा जाता है? दोस्तों यह प्रश्न है आपको, आपके सामने है, तो इसे आप जरूर बताइएगा मुझे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। माइक्रोकांडिया कहा जाता है, ये एटीपी कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है, ये ऑक्सी श्वसन को कहा जाता है। तो बोलिए 74 का राइट आंसर हमें हो सकता है ए, यानी माइक्रोकांडिया को होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 79 श्वसन का अंतिम उत्पादन है दोस्तों CO2 और HO2, ऑप्शन बी CO2 और ऊर्जा, ऑप्शन सी H2O और ऊर्जा, ऑप्शन डी CO2 H2O और ऊर्जा, तीनों ऑप्शन दिया हुआ था। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी CO2 और ऊर्जा। 80 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? ठीक है, ऑप्शन है तांबा यौन यौगिक, लोहा यौन यौगिक, लवण के यौगिक और इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 80 का क्या हो जाएगा, 80 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी, लोहा के यौगिक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 81 नंबर प्रश्न है कि मानव में वहन तंत्र का घटक है, मानव में वहन तंत्र का घटक है, ठीक है, ब्रिक है, या त्वचा है, या फेफड़ा है, या इनमें से सभी। तो दोस्तों 81 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा डी, इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ऑप्शन ए भूरे भाग में, हरे भाग में, या पीले भाग में, या काले भाग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 का, मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी हरे भाग में। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न है कि रक्त में उपस्थित प्लेटनेस के कारण होता है, रक्त का बहाव, या रक्त का थक्का, या रक्त की कमी, या रक्त का संचय। तो दोस्तों 83 का राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी, यानी रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि ग्रहणी भाग है किसका? मुंह गुहा का, या महाशय का, छोटी आंत का, या बड़ी आंत का। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी, यानी कि छोटी आंत का। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।